टाइम्स टीवी द्वारा प्रसारित टाइम्स टॉक कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत। हम वीरेंद्र वर्मा, आइ हमरा सबके बीच में अतिथि छै प्रदेश सभा सदस्य राम आशीष यादव, संघीय समाजवादी फोरम दिस सब प्रतिनिधित्व करै छथि, पार्टी के नेता छथि। काल्हिखन पुष्प कमल दहाल अर्थात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहाल मंच सँ प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री के एकटा कहलखिन जे अहाँ सब जे रूप से ओवरटेक कर रहल छी दुर्घटना के संभावना है, वास्तव में ओवरटेक भ रहल छै या मुख्यमंत्री जबरदस्ती एकटा संघीय सरकार संगे द्वंद्व निपटाबे के काज भ रहल छै, इहे तमाम विषय वस्तु के आइ हम सब केंद्र में राखि के संवाद करब। सबसे पहले स्वागत करी राम आशीष जी के। राम आशीष जी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी अपने के और संपूर्ण श्रोता के हम प्रणाम करै छी, दर्शक के प्रणाम करै छी। काल्हिखन पुष्प कमल दहाल जी मंच सँ प्रधान एहिठाम के मुख्यमंत्री के कहलखिन जहाँ ओवरटेक में गए दुर्घटना हो, संभावना ही छे जे राष्ट्रपति शासन या प्रदेश सरकार के शासन लगते, ये संभावना छे। बड़ा गंभीर प्रश्न के लिए आश्चर्य कत लगे जत संघीयता के एक बल देव वाला और संघीयता के जन जन में नारा देव वाला प्रचंड पथ के अगुआ पुष्प मल्लाहाल प्रचंड जी संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति सीधा उनकर देखल जाते संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति है, उनका नहीं देवे के चाहिए। और वो दो द्वारे रहल कि असली चरित्र उनकर आब आ रहा है सामने, जनता के सामने सरभाड़ा पर क्यों केना उत्थान कलखिन आब आ रहा है, वो सही बजलखिन हमारा जेना बुझाई, उनका पहले बाजे के चाहिए जे संघीयता के आगू विरोधी से बुझाई छे। जब ये माने जे उनका साठ घाट के लिए तब कतौ ने कतौ दू तिहाई के दम्भ के देखाव के एक से हमारा स्पीच है कल के उनका नहीं देवे के चाहिए चीज, ये विशुद्ध रूप से जे से एक दलीय व्यवस्था बरकरार राखी और क्षेत्रीय दल के या छोट छोट दल के कोनो महत्व नहीं रहे, ते हिसाब से उनका एक व्यक्ति हमारा लागल। समाजवादी फोरम के सेहो एहने चरित्र देखाय छै जे चरित्र अपने के हिसाब से पुष्प कमल दहाल के छै वएह चलै छै। संघीय सरकार में जाकर दुनू आदमी बैसे छथिन, एग्रीमेंट होइ छै और एहि ठाम आके एकटा न्यू खोजक एकरा कहै छै जे न्यू खोज रहल छै संघीय प्रहरी लए कऽ, तकर बाद सम्पूर्ण प्रक्रिया सब जे अवलम्बन कऽ रहल छै अखन प्रदेश सरकार ओहिसँ देखाइ दऽ रहल छै जे ओहिठाम एकर दुनू के सम ठीक ठाक छै। किएक तऽ काल्हिखन प्रचंडो जी इएह बात कहलखिन जे उपेंद्र यादव जी संगे हमरा सबके एग्रीमेंट भेलै संविधान संशोधन करब, हमरा सबके समय उपयुक्त समय हेतै हम संविधान संशोधन करब, अहाँ सब किया ओवरटेक करै छी बेकार, मतलब तऽ प्रदेश सरकार तऽ न्यू खोज रहल छै ने। नहीं, अहाँ के प्रश्न स्वाभाविक रूप से जनता के प्रश्न छै जे संघीय समाजवादी फोरम सरकार में गेलै तऽ कतौ ने कतौ जेना बुझै छै ओकरा सहयोग करै छै, लेकिन एहिमे कनि भीतर अहाँके बुझऽ पड़बै तऽ कखन तो काल की होइ छै जे हमसब समुद्र मंथन विधि हमरा सबके याद हो तो समुद्र मंथन विधि में की रहे जे कखन तो काल दैत्य और राक्षस के साथ भगवान सबके साठगाँठ करे पड़े, तो भगवान सबके देख ली जे मजबूरी रहे साठगाँठ करे के और दोनों गोटे सहकार्य के लिए तब समुद्र मंथन भ के तब देवी देवता के शक्ति अली और राक्षस दैत्य सब पराजित भेलै। तो अखन जे ओहिठमन जे मानि लिये संघीय समाजवादी फोरम समर्थन दऽ कऽ सरकार में सहभागी भेलै, राजपा समर्थन देने छै सरकार में सहभागी नहि छै, कोनो खासे दुनू में अंतर नहि छै, लेकिन एकटा ई ओहिठमन जाके एकटा ई बुझेली जे कम से कम हमसब चाहै छी जे आबू तऽ दू तिहाई अहाँके नहि पहुँचत, दू तिहाई पहुँचा लिअ और तकर बाद जे है से हम अहाँके साथो साथो सहकार्य करै छी, लेकिन अहाँ कम से कम संशोधन करू। काल्हि जनता के ई कहके नहि रहतै जे फॉर्मे दू तिहाई नहि पहुँचा देलकै, तऽ ताहि हिसाबसँ हमरा बुझाइ छै एहि बुद्धिसँ गेल रहै और हमरा बुझाइ जे बेसी दिन सरकार में संघीय समाजवादी फोरम रहते से हमरा नहीं बुझ पड़े यदि संविधान संशोधन नहीं करे तो एना भ रहल छै कि एना विश्लेषण लोग कर वाला की कर रहल छै जे लाल बाबू राउत के आब दिन गिनती शुरू भ गेलै, आब एहिठाम केंद्रीय शासन लगते, लाल बाबू राउत अहाँ के उपेंद्र यादव जी से एक टसल ल रहल छै ताहि दुआरे एकरा फेंकल जेतै और कम्युनिस्ट पार्टी के अगुवाई में प्रदेश शासन समाप्त भेला के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के अगुवाई में नया सरकार बनते प्रदेश नंबर 2 में, बुझा वाला आई रूप से भी व्याख्या करी। नहीं तो ये हमारा विचार से ये कि जल्दी जल्दी बुझ नहीं होते हमारा विचार से ही नहीं बुझवाक चाहिए। लाल बाबू राउत संघीय समाजवादी फोरम और राजपा के गठबंधन के सरकार के मुख्यमंत्री
और कतु कतु लोग आशंका लगे हमारा विचार से ई में आशंका करें कि कोनो ना है लाल बाबू राउत जी संघी समाजवादी फोरम और भाजपा के जो माइंडेड है और समग्र रूप में कहीं तो मधेश आंदोलन के जो माइंडेड है वो माइंडेड के आधार पर चल रही है और कहियो एहन दुर्भाग्य हमारा नहीं भैया संघी समाजवादी फोरम करवाते जाकर और लोग जो आशंका कर रहा है ई आशंका में कहीं कुछ सकता हमारा नहीं बुझा रहा है संघी समाजवादी फोरम मधेश आंदोलन के मर्म बुझि कर पार्टी के अगुआ चल रहा है और पार्टी में भी वही प्रकार के व्यक्ति सब लागल किनको हमारा नहीं बुझाए जो लोग के आशंका करे के चाहिए जे एहिठाम जे से तुरंत ही सरकार गिर पड़ते आ प्रदेश के सरकार के बर्खास्त कर देते ते हमारा किनको एहिमे नहीं बुझा कि संविधान की कह रहा है हरेक धारा के व्याख्या एक ठीक कह संविधान जे प्रदेश सरकार अपन कानून तब बना सकैए स्थानीय सरकार अपन कानून तब बना सकैए लेकिन संघीय कानून से बाझल जते कानून होते वो स्वतः निष्क्रिय भ जते एहिठाम के मंत्री सबके एक बात आबि रहल छै जे सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित जी के पत्र आयल छै जे प्रदेश प्रहरी एक पारित कऽ देलकै प्रदेश दू संघीय सरकार के संगे बाजे के संभावना छै ते दुआरे ये कार्यक्रम में हृदय निष्क्रिय भ जते इ अवस्था छै हमरा भैया एहि प्रश्न के उत्तर अही द देलिए आज हमरा प्रश्न पूछ लिए त अही में उत्तर है नेपाल के संविधान 2072 के अहाँ के देखबे तो इमे स्पष्ट रूप से लिखल है जे प्रदेश स्थानीय सरकार ये दोनों सरकार अगर कोनो विधेयक बनेते कोनो कानून बनेते तो संघीय कानून से बाजे वाला रहते तो स्वतः धारा वो अहाँ के न्यायावली निष्क्रिय भ जेतै तो अखन जे ई प्रदेश सरकार एहिठाम के प्रदेश सरकार जे अहाँ के प्रहरी विधेयक अहाँ के पास कैलकै तो बिल्कुल नेपाल के संविधान 2072 के तहत पास कैलकै ओहिमे संविधान से बाजे वाला एहन कोनो धारे नहि अछि नेपाल के संविधान 2072 के 268 धारा के दू बमोजिम ओहिमे लिखल है कि प्रदेश ले अपना छुट्टे प्रदेश को हित मान प्रहरी संगठन गठन करीने ऑलरेडी लिखल है 268 धारा के तीन की कहे छे जे अहाँ के ओहि प्रदेश प्रहरी के सुपरिवेक्षण आ अनुगमन संघीय प्रहरी एन अहाँ के करते तो संघीय प्रहरी एन अहाँ के एक सुपरिवेक्षण करे के एक अनुगमन करे के है कतौ संविधान में इन्हें लिखल है जे पहले संघीय प्रहरी एन बनते तब प्रदेश प्रहरी एन बना सके कतौ नहीं छै लिखल ई बेस लाइन छै अगर मान लीजिए संघीय सरकार प्रहरी विधेयक संघीय एन नहीं लेते तो प्रदेश के अधिकार जी की संघीय सरकार के टेंशन किया बढ़ रहा है लाल बाबू राव सर देखियौ संघीय सरकार के ई टेंशन ही बुझा रहल जे अवस्था ई बुझाइ छै जे प्रदेश नंबर दू संघीयता के एकटा प्रतीक है और प्रदेश नंबर दू एकटा गाइडलाइन है सब प्रदेश के लेल आइ डोरमणि पौडेल मुख्यमंत्री या शंकर पोखरेल के मुख्यमंत्री एहि सबके जे अवस्था छै एकरो सबके आब ई बुझाइ छै जे नहि कतौ ने कतौ हम जे छै अहाँके बाकी लाले बाबू राउत ने मुख्यमंत्री ने और भी छह प्रदेश के मुख्यमंत्री छै ओ सबके ई बुझा रहल है जे कतौ ने कतौ हमरा सबके अधिकार के कुंठित करिए तऽ दू नंबर प्रदेश के चाहैत रहै छै जे हम कंट्रोल में राखी लेकिन एकटा चीज की नेपाल के संविधान 2072 स्पष्ट रूप से लिखल है जे ई सरकार संघी सरकार के अंडर के सरकार नहीं है हुबू के नीचे ई यहाँ के अगर भातृ संगठन नहीं सरकार कोनो स्वतंत्र होइ छै लेकिन सरकार के बनने के रहै छै संविधान तो नेपाल के संविधान बांध देने है केपी ओली के सरकार के अंदर के सरकार लाल बाबू राउत के सरकार न है आ शंकर पोखरेल के सरकार न है विशुद्ध रूप से या स्थानीय सरकार है स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार के अंडर के सरकार नहीं है संविधान के परिधि में रह कर उ सब कोनो नियम और कानून कोनो भी विधेयक पास कर सके तो हमारा भैया प्रदेश सरकार बहुत कम समय में 17 बिल पास करना ही असक्षम कह रहा है लोग असक्षम आप लोग के तक की वजह खास करके असक्षम लोग बहुत द्वारे कहे जी जो बहुत समस्या सर कह रहा है जैसे कि संघीय सरकार में केपी शर्मा ओली गफारी छे उन्हें यहाँ के प्रदेश सरकार के लाल बाबू राउत गफारी छे काज कथु नहीं करे छे बिल्कुल नहीं प्रदेश सरकार के संघीय सरकार के अगर बात करी तो बहुत जगह ऑब्स्टेकल छे एक तो ऑब्स्टेकल प्रहरी विधेयक में संघीय सरकार के मात दुखाई के जरूरी है
संघीय सरकार के और अहाँ के धन्यवाद देवे के चाहिए एहिठमन के प्रदेश सरकार के जे अहाँ कम से कम 20 लाइन तो बना देगी, लेकिन संघीय सरकार अहाँ के जे है से एहि रूप से धमकी के भाषा करे छै जे अहाँ साइट में रहू, हमरा जे बुझाइ साइट में ओ स्पष्ट छै ने साइट में रहू ओवरटेक करब दुर्घटना है, दुर्घटना के अर्थ की भेलै अहाँ के हमसब अहाँ के संघीय जे सरकार के अथी हेतै ओहिसँ अहाँ के अपदस्त कर देब। कतौ ने कतौ की बुझा रहल जे 1768 जिस समय में नया नेपाल के एकीकरण जो कहे पृथ्वीनारायण शाह या नेपाल के राजनीति के घटनाक्रम देखबे अहाँ के तब कतौ ने कतौ अभी तीन पार्टी चार पार्टी के व्यवस्था देखिए, कोई कहे जनता के नौ लोग हो गए जनवाद, कोई कहे साम्यवाद, कांग्रेस लोकतंत्र समाजवाद, लेकिन एकर सबके कोनो बात नहीं है, एकर सबके कोनो बात ही दुआरे नहीं है कि जखन अहाँ के बहुमत से मने 90% संविधान बनबे तेमें जो है जनता के अधिकार सुनिश्चित नहीं रहे और कौन वर्ग के अधिकार में सुनिश्चित करे जे वर्ग शुरू से नेपाल में शासन करे 31.2% विशेष व्यवस्था सुविधा कोई खास आर वर्ग के लिए संविधान में दिल गए थे और बनेने से दिन केपी ओली प्रचंड जी शेरबहादुर देवबा वहाँ के मतलब पृथ्वीनारायण शाह के वंशज छथिन सब वही हिसाब से यही गंध से ही बुझाइ ये सब कतौ नहीं कतौ वहाँ के जे है हाँ संघीयता के धराप में भी पाट सकिए से आशंका करना जनता के नाजायज अखन अवस्था जे संघीय सरकार संगे समन्वय कल के अवस्था क्या नया नया संघीयता आये प्रयोग से प्रयोग बेसी दिन नहीं 9-10 महीना के प्रयोग बहुते जगह संघीयता के अर्थ की बुझने से प्रदेश सभा के मेम्बर सब भी बुझने से संघीयता की हो संघीयता के मॉडल की हो काज केना करक चाहिए इ तमाम अवस्था में मिल के चलक चाही अवस्था में इ देखाई की दे रहा है केवल एकटा टसल के अवस्था है। टसल के अवस्था तो एक चीज तो प्रहरी विधेयक सरकार जो पास कैलकै कतौ ने कतौ संघीय सरकार के या नेपाली शासक के कही एक सोच पर बाध्य की कलकै संविधान के परिधि में रह कर हम जो है संघीयता के बचाए और हम प्रदेश के चला प्रहरी एक चीज आरो लोग के आशंका है जे कहीं ना कहीं सड़क पर आब कर प्रहरी के कहीं हम व्याख्या कर जवाब चाहब जे लोग एक आशंका की कर रहा है एक संघीय प्रहरी है सशस्त्र प्रहरी है राष्ट्रीय अनुसंधान से अके बाद इह परिकल्पना सब प्रदेश के प्रहरी आयल साप्ताहिक प्रहरी पर्यटन प्रहरी वो नेपालो सरकार के अवधारणा में ओकरे अवधारणा करीब करीब लाइल एत प्रहरी संघीय सरकार के होते फिर प्रदेश सरकार बनते प्रदेश सरकार भर्ना करते भर्ना भे प्रक्रिया चालू होते कतौ ने कतौ ई आशंका भे पूरा देश अहा के प्रहरी में बजते और टैक्स तीर पड़ते आम जनता के आम जनता कंगाल भ एक चीज जनता के प्रश्न पूछनाई हमारा विचार से जरूरी है और जनता के पूछनाई जरूरी है जो 90,000 नेपाली सेना और 75,855 जनपद प्रहरी जो कहे नेपाल प्रहरी 75,855 एक 60,000 के हाराहारी में अहाँ के अभी सशस्त्रों पहुँच गए और पूरा मधेश के बेस कैंप सबसे बेसी सुरक्षाकर्मी के हम नाम ले लिए तीनों अंग के 70% मधेश के भूमि में ये सब अगर देख लिया कतौ ने कतौ सब और दोसर बात है जे अयन अहाँ के इंसास या AK-47 ये अत्याधुनिक हथियार नेपाल में केला चाहिए अगर वास्तव में कहें तो अहाँ के चीन और भारत से युद्ध नहीं लड़क के आंतरिक व्यवस्थापन के लिए आंतरिक शांति व्यवस्था कायम करे के लिए अहाँ के लाठिए काफी है लाठिए काफी छै और दोसर में अहाँ के ठीक छै लाठी नहीं काफी छै तो छले अहाँ के हथियार सब राइफल छले राइफलो काफी छै ओना तो मधेश आंदोलन में अहाँ के बुलेट के गोली से जैसे मारने छलिए इंसास से सेहो मारने छलिए लेकिन एना छै ना अहाँ के प्रहरी एन की कह रहल छै या समग्र जे प्रयोग छै दोसर दोसर जे संघीयता के सफल प्रयोग करै छै जे राष्ट्र सब ओहिमे की होइ छै जे प्रदेश के अपन जे पुलिस रहै छै ओ प्रयोग होइ छै सबसे पहिल बेर या कोनो बड़का दंगा होइ छै कतौ किछु होइ छै शांति सुरक्षा सबल बनाबै में ओ प्रयोग होइ छै ओ कंट्रोल नहि कऽ सकै छै तखन
संघीय सरकार सब मार करे छे जे हमरा सेंट्रल पुलिस पठा दिया आब हमरा एहिठाम पेट्रोल नहि होबक चाही। बहुत जगह भारत में गुजरात में प्रयोग भेल छै, बिहार में कह दे रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपन पुलिस पठा दै छै। वएह अवस्था हेतै, मतलब वएह अवस्था छै, अर्थात संघीय प्रहरी जे छै से वएह अवस्था में प्रयोग हेतै। तखन संघीय प्रहरी के एते एते संख्या में पाइल कऽ, सशस्त्र प्रहरी के एते संख्या में पाइल कऽ, राष्ट्रीय अनुसंधान के एते संख्या में पाइल कऽ की फायदा तक? स्वाभाविक रूप से जे अहाँ जे प्रश्न के लिए जे अगर फिर प्रहरी अहाँ के बढ़ेबे तो कतौ ने कतौ जनता पर कर पड़ते, जनता पर टैक्स बढ़ते, तो ये चीज नेतृत्व पंक्ति के सोचे के चाही। लेकिन अखन अहाँ के प्रतिष्ठा के सवाल है, अहाँ के कहे छे मरता क्या नहीं करता, माने प्रदेश के सरकार के ई हाल भ गेल है जे अहाँ के देखबे संसार के ई छे प्रदेश सांसद और प्रतिनिधि सभा सांसद, तो प्रतिनिधि सभा सांसद की खोजी करे छे संघीय प्रहरी या संघीय प्रहरी के सुरक्षा निकाय के प्रमुख, लेकिन प्रदेश सभा सांसद वो कत रात में घर में पहुँच ले, ओकर सभा कौन गांव में है मतलब नहीं। ओकरा ई बुझाई छे जे ई सब अपन प्रहरी जो होते प्रहरी के बुझाते हम प्रदेश के प्रहरी छे और कतौ नहीं कतौ अहाँ के दिल्ली में देख लिये, दिल्ली में जो अवस्था केंद्र के पूरा केंद्र प्रशासित छे दिल्ली राज्य दिल्ली के, तो मुख्यमंत्री के प्रहरियो सब घूमते परेशान करे छे। आ ओकरा पास अपन पुलिस जे रहते ओकर अपन नियंत्रित पुलिस रहते तो कतौ ने कतौ ओकरा साथ होती। डीपीएसओ पुलिस होइ त मन छै दिल्ली पुलिस, तो ओ अहाँ के जे छे कतौ ने कतौ जे छे केंद्र से काटि जाइ छै। ताहि दुआरे प्रदेश प्रहरी जे अगर एहिठमन बनि जाइ छै तऽ ओ प्रहरी के कम से कम ई बुझेतै और ओ मात्र लाल बाबू राउत के वर्तमान सरकार के मंत्री परिषद के सुरक्षा करतै से नहि, फिर कोई मुख्यमंत्री होते प्रदेश के रहते से बुझे के चाहिए। और कतौ न कतौ हमारा विचार से जना कांग्रेस के मौन समर्थन रहे प्रदेश प्रहरी बिल पेश पास हुआ में, और माओवादी के ये मान लेके हम देख लिए, माने नेकपा केंद्र के कही नेकपा के कही एक सबके देख लिए ये भीतरी इच्छा है, लेकिन काठमांडू के दबाव नहीं, काठमांडू के दबाव में हमारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आगे नेकपा के तात्कालीन करो नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता के दो पार्टी मिला के बाद में संसदीय दल के नेता सत्यनारायण मंडल से बात करने का मौका भेटल। वो कहेंगे जे ठीक छे हम कतो हर्ज नहीं करल छे, आपत्ति नहीं करल छे, पद्धति गलत छे, अहाँ जब प्रहरी एल लबै छी प्रहरी भर्ती करै छी तो लोक सेवा विधेयक लाबे में की समस्या भ रहलै? पहले लोक सेवा आयोग विधेयक लाइ लिय तकर बाद अहाँ के जे भर्ती करै के करू, जनता के क्या गुमराह करै छी केवल कार्यकर्ता के भर्ती कऽ कऽ काल के दिन में अहाँ के बूथ छाप के लेल? ई देखिए ना नहीं छे की होइ छे अहाँ के तुरंत बिल अहाँ के पास भेले आ तुरंत भर्ती होते सेहो अवस्था नहीं, भर्ती करे से पहले लोक सेवा केंद्र वाला विधेयक लागू पड़ते कर्मचारी विधेयक वाला। आई समस्या केना छे, आई प्रदेश में 5,000 कर्मचारी के आवश्यकता है, अखन 240 कर्मचारी छे और सचिव के सरुआ भजाई छे मुख्यमंत्री रोक नहीं सके, सचिव के शाखा अधिकृत के सरुआ होइ छे मुख्यमंत्री के संबंधित मंत्रालय के मंत्री के गुजर नहीं रहे उतबे ने जे मंत्री के सुरक्षा अंग कर्मी मिलल है बॉडी गार्ड मिलल है सुरक्षा के अंगरक्षक, वो अंगरक्षक कखन सरुआ भैत या कखन दोसर बहादुर चल लेते सोई मंत्री के बुझल नहीं रहते अवस्था से छे। ते दुआरे कतो ने कतो अपन ही प्रदेश के प्रहरी होते तो ये प्रहरी के प्रदेश प्रति के मोह आके बढ़ते और भारत बढ़ते और प्रक्रिया में लेते सीधे कर्मचारी भरना हवा के ताल में प्रहरी विधेयक पास हुई थे गवर्नमेंट नहीं कर सके ऊपर ट्रेनिंग होते आ जेकरा मन तेकरा में भरना नहीं होते एक सिस्टम बनते और दोसर में आई मान लिये प्रदेश के प्रहरी के सुरक्षा सलाहकार में सामान्य आदमी नहीं रहते जो ऑलरेडी ओकर एक्सपर्ट है जो रिटायर्ड प्रहरी के प्रमुख रहते वो सब अहाँ के राखि सके सलाहकार में या ट्रेनिंग जो देते प्रदेश चला के रहा थे। प्रदेश तो अहाँ के देखियो प्रदेश चला रहल है आप अवस्था यह ने जे बजट प्रस्तुत भ गेले बजट पास भ गेले सदन से व्यवस्थापिका सदन से, लेकिन कार्यविधि नहीं बनल छै जे खर्चा केना करबे, तो कार्यविधि बनला के बाद में आप सब ओय में हरेक चीज में संघीय सरकार के अहाँ के गाइडलाइन लेबे पड़ते कंसाइन लेबे पड़ते अवस्था से भ गेल छै। आ पहले जिला विकास छलै
तो जिला विकास में तो जिला विकास के द्वारा संसद सबके संसद पति को सोचे अब अखन एक बहुत मुश्किल से प्रदेश लोक गठन मिले अहाँ के प्रदेश कॉलोनी का ऐसा मन के गठन मिले तक बाद कर्मचारी के अभाव तो आप कर्मचारी के अभाव पूछ रहा थी प्रदेश चला के रहा थे अब चला तो हल जी देख रहे थी मुख्यमंत्री चला रहा थे जी बेचारा जी काम चला रहा है ये नीतीश वास में रहते ये बात दूसरे आदमी के लिए रिमोट का तो दूसरे से नहीं से नहीं तफाना है कि पूरा के पूरा बजट एक ता जिला में जाके क्या केंद्रित पड़े छे नहीं वो कतो नहीं कतो ही मेहनत छे अपने के देखिए वो विवेक वो सो विवेक पड़े छे स्वाभाविक रूप से सरकार चला रहा है सरकार चला रहा है लाल बाबू राउत के विश्वास तो हो पड़े ना रामशीष यादव यदि मंत्री भेले तो रामशीष यादव पर विश्वास तो हो पड़े ना लाल बाबू राउत के सारा बजट अपना मंत्रालय में किया राखल जाए एकेटा शीर्षक में तीन तीन जगह बजट किया रखे छी बेटी बचाओ सफाई अहाँ सफाइयो अभियंता छी एकेटा बात कहू जे कतो बजट एके जगह खर्च होइ छै ना नहीं ना छै अपने के ई अपने जे प्रश्न के लिए मंत्रालय में भी छै लेकिन खास करके मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और दोसर कहि तो मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान आइ तक नरेंद्र जी जे एते दिन 300 वर्ष तक शासन करै छै नेपाली शासक कहियो बेटी मुद्दा नै बनलै जे बेटी भी एकटा महत्वपूर्ण अंग होय सबसे बेसी बलात्कार भरल छै दू नंबर प्रदेश में मुख्यमंत्री शपथ लेला के बाद नहीं ओ त तेकर फिर रोकते के त एकर रोक वाला त वही संघीय संघीय सुरक्षा संयंत्र छै सबसे बेसी बेटी अपन असुरक्षित भ गेल छै प्रदेश कहै छै कि प्रदेश डाटा एना देखु छै एक ओही में सरकार के दोष इंटरेस्ट विषय हम अपने के कह रहल छी भारत के अगर सरदर डाटा देखे छी त इंदिरा गांधी जहिया सबसे प्रधानमंत्री रहे ना त ओही समय में सबसे बेसी महिला पर हिंसा भेल रहे क्या तो बेसी महिला पर जोर दे रहे लाल बाबू राव सबसे बेसी महिला पर जोर दे रहा है लेकिन एक बार बेसी घटना बढ़ रही है लोग कह रहा है कि ये रहते हैं काफी बढ़िया नहीं है सब अगर देख भी अपने के तो बेटी के देखे के नजरिया चेंज कर दिया हम कह रहे हैं कि 300 वर्ष में बेटी भी एक महत्वपूर्ण अंग हुई परिवार के से कोई भी प्रधानमंत्री रहे वो नहीं बुझा सकते लेकिन लाल बाबू राव के सरकार ये नारा देते स्वच्छ अभियान के बात करी तो स्वच्छता अभियान के प्लानिंग तहत करी से कहियो अगर इस केंद्रीय सरकार के इशू नहीं बनले हवा ताल में चल रहे लेकिन एक इशू तो बनले आई जानकी मंदिर से जानकी मंदिर के प्रांगण से मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के शुभारंभ हो जा रहा है पुरातत्व विभाग के बिना संरक्षण में बिना जिम्मेवारी में पूरा अपना हिसाब से जा रहा है जखन जखने जा काज करते पुरातत्व विभाग रोकते क्या तो सामान्यतः सिद्धांत ही कहे छे जे 100 वर्ष से बेसी कोनो धार्मिक स्थल पर जब अहाँ कोनो योजना करे छी ओकरा काम करे छी तो पुरातत्व विभाग से समन्वय करे पड़त ओकर मौलिकता पर प्रहार नहीं होते हिसाब से जब रोके छी तो फिर भारत जाय पड़े छै एकदम स्वाभाविक है एक अहाँ के प्रश्न जाए छै पुरातत्व विभाग के बाईपास नहीं कैल जा सकैए कह रहल छै ना अब अयन अखन डीपीआर बनले मास्टर प्लानर बन गए मास्टर प्लान बनला के बाद में पुरातत्व विभाग के कंसाइन लइए का गाड़ी बढ़ते पुरातत्व विभाग अगर चाहते पुरातत्व विभाग के यदि में कंसाइन नहीं लेते तो हमारा विचार से बढ़िया बात नहीं है पुरातत्व विभाग के लेते आ लेबे के चाहिए अ दुआरे जे कोनो भी धर्म संस्कृति हवा ताल में नहीं चले छै अहाँ के कखनो काल जे ढहल मंदिर जे रहे छै पुरान संपदा रहे छै बहुत पर्यटक ढहल मंदिर देखे जाए छै पुरान और नया मंदिर नया जगह बनबे छै यहाँ के अगर इतिहास देखते तो जानकी मंदिर के हम जैसे बिल्डिंग तोड़ कर आ पुनः नया बिल्डिंग नहीं बनेगी अगर बनेबे करबे तो साइड में बना पड़ती एक लेकिन वो वहाँ के जैसे एक संपदा भाई छे टूटलो पाटलो रहे छे संपदा रहे छे अपना सब कलानेश्वर जाए छे आप कहल जाए हम सब अंतिम अंतिम में छे प्रदेश सरकार नाम थाई राजधानी के विषय में कहिया लाइ रहल छे अपन विधेयक कही छलफल में कहिया लाइ रहल छे अब अइ में बड़ी टेक्निकल प्रश्न आप पूछ लिए यह कनिक समस्या जो भरा है जना राजधानी में कोई समस्या नहीं राजधानी में जब राजधानी में समस्या नहीं नाम में समस्या है जी नाम में किया गया है राजधानी का तो जनकपुर की बीरगंज नहीं बीरगंज के तो चर्चे नहीं है राजधानी तो जनकपुर के कोई आगे नहीं कर सकी है अब नाम में समस्या की भरा है जे में बहुमत से अगर हो वाला रहते तो वो हो रहती भाग लेकिन इसमें समस्या की है दो तिहाई के लिए वहां के सबके कंसाइन देबो पर दो तिहाई में आके जैसे फोरम चाहि रहल छै मधेस नाम पर
फोरम के राजपा के फोरम के चाहे एकदम आप स्पष्ट कही दिल के फोरम राजपा के कंसाइन जो मधेश राखी हम नामे कर कारण अहे की अब हमरा से पूछिए तो देखिए बहुत गंभीर प्रश्न के लिए मधेश एक अगर नेपाली शासक के अवस्था देखिए तो सब की चाहत रहे जे पहचान के मिटा दी मधेश शब्द से लड़की मधेश पहचान से मधेश एक पहचान नहीं नेपाल में अगर राष्ट्रीयता के बात अबे तो नेपाल में एक राष्ट्रीयता नहीं है नेपाल बहुराष्ट्रीय देश है जेकर जिकिर प्रचंड जिसे वो कहने आज राम सरोवर जी के किसी मीडिया ने इंटरव्यू आये थे वो कहा कि ना जब हम सब मधेश कोनो अवस्था में नहीं स्वीकार मधेश के ना भूगोल से नहीं इतिहास से किस नहीं से हमारा सबके मिथिला चाहिए अब यही में बात करना पड़ते यही में हमारा विचार से अब नेकपा या कांग्रेस ते द्वारे बात नहीं मिलला के कारण से प्रदेश सरकार अखन देखले नाम ना के रहल छे ना विपक्षी दल सब ई कह रहल छे जे नाम तो ठीक छे आहा के सहमति नहीं भेल विचार नहीं मिले वो के अलग पक्ष छे एकटा अलग विषय वस्तु छे कम से कम छलफल में तो लाओ छलफल में लबे तखन ना आके मिथिला राखल जाए कि मधेश राखल जाए कि मिथिला मधेश राखल जाए किया ई सरकार चाहि रहल छे आहा के जे अलग से अलग का जो मुद्दा सबके समाधान हो चाही से समाधान नहीं करके दोसर दोसर टायर पार पकड़ रहा है जी स्वाभाविक रूप से कही तो इंटरनल गप होते थे हमारा जो बुझाइए लेकिन मुख्यमंत्री विभिन्न संसदीय दल के नेता या अगर पार्टी के प्रमुख सचेतक सबसे सब सरकार के एक विधि होते रहे इंटरनल होते थे और कोनो भी बिल अबे कोनो भी विधेयक अबे वीरेंद्र जी तो बिना सहमति से नहीं अबे पहले अनौपचारिक सहमति भेल जे ई विधेयक हम लाबे जा रहल छी जेना प्रहरीय विधेयक में लंबा डिस्कशन भेलै हाउस में डिस्कशन भेलै दू बेर तीन बेर तेकर बाद फिर समिति में डिस्कशन भेलै एक्सपर्ट राय के भेलै तब अंतिम अवस्था में पास भेलै तेनाहिते नाम और राजधानी वाला इंटरनल अनौपचारिक डिस्कशन छलफल जारी अछि हमरा बुझाइए और अहाँ जखन ई प्रश्न के लिए इहो प्रश्न कतौ ने कतौ बुझाइ छै जे नहि ई जनता के आवाज है जनता ने जे सत्तारूढ़ दल के सांसद सब छै मनीष सुमन जी के सुनैत हेबै अरे कम से कम और चीज तो छोड़ू अहाँ जे करब दू नंबरी हटाओ कम से कम दू नंबरी हटा दिए हमरा सब के जे टैग मतलब ये जे भीतर का सहमति भेला के बाद में इहो अपने के नाम और राजधानी वाला विधेयक अपने के सेहो चलेतै और हम कहबै खास कर के मधेशी जनता के समुदाय के जे हड़बड़ाई की जरूरी ना कहला कि मूवमेंट जो बुझी पसारी नहीं जाए आई राणा कालीन अवस्था आई द्वारा लोग के शंका लगे कि नहीं शंका कर आई द्वारा शंका लगे कि जनता से बैठ आई द्वारा शंका लगे हम कह रहे अपने के आई द्वारा शंका लगे फोरम अपन नाम से आगा पाछा जे थपने छे मधेश से तो हटा लगे ऐसे से पहले राजा पास हो छे आके जे पार्टी सब छे सब कतो ने कतो मधेश सब अपने छे कोई आगा कोई पाछा अब सब छोड़ देलके कि तैसर लोग लगे छे जे मधेश हमरा सब के जे मधेश आंदोलन भेल ओकर अवमूल्यन कहीं ई राजपा फोरम के गठबंधन अर्थात लाले बाबू राउत ने करे हमरा देखो जाइए एमे त स्वाभाविक रूप से कही जे आके ए चीज के नहीं बिसर सके नहीं बिसरे के चाहिए मधेश आंदोलन के मर्म के और भावना के ये हमर निजी अनुभव हम बात कर रहल छी ये हमर निजी अनुभव जे मधेश आंदोलन के मधेश के पीड़ा के संघीय समाजवादी फोरम और राजपा के नहीं बिसरे के चाहिए नहीं तो पार्टी दोनों समाप्त हो जाती ये दोनों पार्टी के कोई औचित्य नहीं रहते हमारा जब ये पीड़ा के मधेश के अवस्था के और मधेश आंदोलन के उठल जो आवाज रहे एक नहीं बिसरे के चाहिए कोनो मधेशवादी नेता अंतिम में एक बात कह लें कि फिर हम प्रश्न दोहरा लें क्या लाल बाबू जी के वीरगंजे मोह बेसी जा रहल छै ई सबसे बजट बेसी भरे परसावे देखल जाइ छै रातो किताब जे देखै छै बड़का आलोचना होइ छै ई बहुत अहाँ ई प्रश्न जे के लिए स्वाभाविक रूप से ई नेतृत्व के क्षमता के हमरा बुझाइए ताहि दुआरे तऽ हम कहलहुँ कि ई अहाँके कंट्रोल दोसर जगह से छै कंट्रोल दोसर जगह नहि छै मने ओकरा एहि बेर बुझैली जे हम बजट कम है तऽ एहि बेर वीरगंज बड़ा परसा के बना दै छी आ दोसर साल में जे है से हम राजबिराज के बनाए सिरहा के बनाए जे हमरा बुझाइए बजट तो बहुत कम है 1.99 बजट एक प्रदेश के है बताया लेकिन प्रदेश के ना विकास कर कोई भी बेसी कर कम आते एक बार आते एक बार बता रहे थे आते एक बार सोचल के जाई बे के बेसी लगानी 12 परसेंट में कर देखिए आप लगानी जाए तो जनकपुर में थे या सिरहा में थे सब तरीके में थे हमरा जी बुझाइए ये नेतृत्व के दूरदृष्टि है जी हमारा बुझा जाए पूरा बचाव कर रहे हैं नहीं बचाव नहीं है कतो ने कतो की आशावादी बनी 29 अरब के बजट है
29 अरब बजट में वह तो जनता ही चाह रहल छे, जनता ही सोच रहल छे या बुझ रहल छे, जनता चाहे छे कि जे राम सी जी के वोट देली, अर्थात फोरम राजपा के वोट देली, मधेसी दल के सरकार बनले, हमरा सब के विकास चाहे कि कम से कम आगे जे जे लड़ के लड़ू, लेकिन हमरा घर के आगे में तो सड़क दुरुस्त होबक चाहिए ना, फिर अहूँ सब जितलो के बाद में हमरा घर में धूले उड़त तखन राम सी जी के वोट तक हमरा की फायदा। सही बात छे, ताहि दुआरे कोशिश करे के चाहे अखनी समय हड़बड़ाई के ना है, सबसे बेसी हम तो कहबे जे सबक अधिकार सबक विकास, हम विकास से बेसी अधिकार, अधिकार आगे जब भऽ जाए तब अहाँ विकास कर लेंगे, माने विकास से अधिकार, अधिकार से विकास अलग नहीं, नारा मात्र छे कि नारा नहीं, नारा बुझल जाए ना, करा पड़ते बहुत परिवर्तन। ताहि दुआरे प्रदेश सरकार के एकटा नारा ले, आपकी सरकार आपके द्वार, कत गेले नारा, तब ओ साथिए नहीं संयंत्र नहीं छे, देखियो संयंत्र जब होते ने तो आपके द्वार पर आपकी सरकार पहुंच जाते, संयंत्र के अभाव है, 5000 कर्मचारी में आके कच्चे दिन के बाद ये प्रदेश सरकार अपन काम के अनुभूति जनता के बीच में करा सकते, अपने के अखन तो अपने के 25-30 विधेयक बाकी, विधेयक बाकी बनावे के, ये विधेयक पूर्ण रूप में बनला के बाद में बेस लाइन, और मात्र ये प्रदेश के बेस लाइन है, ये यहाँ के देश के सब प्रदेश के बेस लाइन है, ये विधेयक सब अगर जो बन जाए ये सब कंक्रीट रूप में तब काम होते, विधेयक नहीं रहत बनल, एन नहीं रहत बनल, विधेयक नहीं रह बनल, नियमावली नहीं रहत बनल, केना काम कर सर जी, अखन प्रदेश सभा के सांसद सबके वह जी पूरा बेरोजगार है, ओकरा लग बजट है राखल लेकिन वो खर्च केना करते, एकर कार्यविधि नहीं बनल, ते दुआरे हम जा सब ऑब्स्टेकल जब तक विधेयक सब धमाधम नहीं बनते, हमरा बुझाए एक एक बरिस ने अगला बरिस से हो लत्ती बना दो, मैंने दो बरिस तक हमरा बुझाए लमसम एन कानून विधेयक के भी सरकार रहते और एकर विकास देखते दो बरिस के बाद, ये हमरा बुझाइए आई अनुमान हमरा बुझाए तुरंत विकास तुरंत नहीं देखते, चले एन कानून बनला के बाद तब विकास के लत जैसे ऐति विकास नहीं ऐति से बात नहीं, कारण आई के पहले काठमांडू जाए पड़े चले भेटर प्रधानमंत्री से, आई यहाँ के मुख्यमंत्री जनकपुर में है, मंत्री वाला गाड़ी सबके भेटो लोग मंत्री से भेटा काठमांडू जाए चलिए, आई मंत्री जी से यहाँ के आम जनता जगह घूम रहा है, फीलिंग तो है लेकिन यहाँ के जब विकास गति बढ़ते नियम कानून बनला के बाद में तब देखेंगे, हमारा आशावादी बने के चाहिए, मेरा आशावादी नहीं बने के चाहिए। अपनों के वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, और संपूर्ण टाइम्स टीवी के श्रोता और दर्शक के हम नमन करें। दर्शकवृन्द, ई छलै था प्रदेश सभा सदस्य रामशीष यादव, हिनका सङ्गे हमसब प्रदेश के किछु राजनीतिक गतिविधि, अखन जे संघीय सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में टकराहट के अवस्था देखल गेल छै, ई तमाम विषय वस्तु के हमसब केन्द्र में राखि के संवाद करू। कार्यक्रम केहन लागल देख के प्रतिक्रिया जरूर देब, बेस त नमस्कार।